नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। ट्रू सर्विस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की जो एक खबर है बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि जो लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, ऐतिहासिक फैसला। वो फैसला ये है दोस्तों कि अब शादी के बाद अगर कोई अवैध संबंध रखता है, चाहे वो बंदा है चाहे वो जनानी है, तो उसको कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब कोई भी अगर अवैध संबंध बनाता है, गलत संबंध बनाता है किसी के साथ भी, मान लीजिए किसी की माँ बहन अगर शादीशुदा है, अगर वो बाई चांस कहीं और रिलेशन बना रही है, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब अपराध नहीं है, कानून के नज़र में कोई अपराध ही नहीं है ये। लेकिन जिस बंदे की जनानी किसी और के पास जाएगी, अगर वो उसको सालत में देखेगा, उसको पता लगेगा, तो वो अपनी तरफ से सजा देगा कि नहीं देगा? सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे इनका फैसला जो मर्जी हो, कानून देखे, कानून अपनी जगह पे, कानून और इंसानियत में, कानून और सभ्याचार में देखो कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये क्या सोच रहे हैं, क्या बनाना चाहते हैं इंडिया को? ये बाहर के कल्चर के साथ मतलब वो करना चाहते हैं? बाहर का कल्चर है कहाँ? बाहर का जो गंध है, बाहर की जो गंदगी है, उसके साथ मिलाना चाहते हैं भारत को? जितना बचा खुचा है उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग? मैं उस जज से ही पूछना चाहता हूँ जिस जज ने फैसला सुनाया, अगर उसकी जनानी ही अगर किसी बंदे के साथ पकड़ी जाती है, वो खुद देख लेता उसको किसी और बंदे के साथ, क्या करेगा वो? वो तो कहता मैं मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा, मैं जज हूँ, और भी बड़ा मतलब हिम्मत बढ़ेगी उसकी। तो तू दूसरों को क्यों बोलता है कि ये अपराध नहीं है? कौन होता तू फैसला सुनाने वाला? इतने जज आए, 158 साल पुरानी जो प्रथा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, क्या वो गलत हो गए? तू सही हो गया? मतलब जो संविधान में जितनी धाराएं हैं, जो लिखी गई हैं, वो धाराओं को बदलने वाला तू कौन होता है? इतने आए जज, उन्होंने नहीं बदला, तू कौन होता बदलने वाला? इससे ये पता लगता है तेरी सोच भी गलत है, तेरा भी रिलेशन बाहर है, तेरे भी नजायज संबंध हैं, है कि नहीं? अब इससे क्या होगा, एक और गलत प्रेरणा मिल रही है, और समाज का बेड़ा गर्क होने वाला है, हमारे देश का बेड़ा गर्क होने वाला है अगर ये कानून पास हो गया है। अब पास हो चुका है, ये धारा खत्म हो चुकी है कि अगर किसी की जनानी किसी बंदे के साथ पकड़ी जाती है, कोई शादीशुदा जनानी किसी बंदे के साथ पकड़ी जाती है, तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं, उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। मतलब अब तो शादी करने के बाद भी जितने मर्जी संबंध बनाते रहो नाजायज बंदों के साथ, जो नामर्द हैं बाहर के, नाजायज, इनको नामर्द ही बोलेंगे जो ऐसी हरकतें करते हैं, घर में जनानी होके भी दूसरी जनानी के पास जाते हैं, इनको हम नामर्द ही बोलेंगे। ये इनकी माएँ, इनके बाप, ये ऐसी नस्ल के हैं, तभी ऐसी औलादें पैदा करते हैं ये लोग, ठीक है? जैसी पीढ़ी होगी, जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा, जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी, ठीक है? खानदान का जो रिवाज है वही चलता आ रहा है ये सारा, ठीक है? तो ये फैसला जो सुनाया था, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा दुख लगा। एक तरह से शायद बहुत सारे लोगों को ये दुख लगा होगा इस चीज़ से कि ये कैसा फैसला है। मतलब एक लाइसेंस मिल गया उन लोगों को जो कि मतलब रंडीबाजी कर रहे हैं, जो जनानियां रंडीबाजी कर रही हैं बाहर, मतलब घर में पति होते हुए भी बाहर नजायज संबंध बना रही है, रंडीबाजी कर रहे हैं, और जो बंदा जिसकी खुद जनानी होते हुए भी वो दूसरे की जनानी के साथ नजायज संबंध बना रहा है, ठीक है, वो भी किसी गस्ती के लड़के से कम नहीं है, वो भी गस्ती के बेटे से कम नहीं है, उसकी माँ भी गस्ती की कैटेगरी में आती है। तो ये जो फैसला है, ये बहुत ही ख़राब फैसला है, बहुत ही गलत फैसला है। तुम लोग कमेंट करके बताओ कि ये फैसला आपको कैसा लगा। कानून तो कानून है, वो अपनी जगह पर है, तुम उसको छोड़ो। कानून ने तो कह दिया अपराध नहीं है, तो मान के चलो, एज एग्जांपल, किसी के भी माँ या बहन अगर किसी के साथ, आप इसमें जो वीडियो देख रहे होंगे वो एडल्ट भी होंगे, मैरिड भी होंगे, मैं उनसे किसी से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी वाइफ बाई चांस आप गलत देख लेते हो उसको, तो आप कानून के भरोसे रहोगे या आप खुद सजा दोगे उस कमीने को? आप खुद सजा दोगे ना, तो आप मानते हो कि अपराध नहीं है? ये सबसे बड़ा अपराध है, जहाँ पर अपने कल्चर, जहाँ पर अपना सभ्याचार, उसका कत्ल हो रहा है, तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता भाई? अपने सभ्याचार का कत्ल जिसने कर दिया है, उस बंदे को हम बोलते हैं किसने अपराध ही नहीं किया? तो मेरी नज़र में तो सबसे बड़ा अपराध है ये, और आपकी नज़रों में क्या है, गुनाह है नहीं है, आपने जवाब देना है, बाकी फैसला आपका है। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।